अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक जल्ला जलालुहु जल्ला शानुहु बदीउस समावात वल अर्ज़ दी लारैब और बेऐब ज़ात वास्ते खास ने दरूदो सलाम आकाए नामदार ताजदार मदीना सैयद वुल्द आदम सर चश्मा सब्र रज़ा मंबाए रुश्दो हुदा शफ़ी अलमुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस व अतहर आला उबाला ते बेहद हिसाब अल्लाह पाक दुरूद व सलाम दी बरखा नाज़िल फरमाए। मौज़ सामईन हज़रात, अल्लाह पाक ने
अपने हबीब मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जड़े मोजज़ात अता फरमाए उन्हां मोजज़ियां दे अंदरों एक मोजज़ा मेरे आका अलैहि सलात व सलाम दा असरा मेराज हुज़ूर अलैहि सलात व सलाम दा रात दे कुछ हिस्से तो दे अंदर मस्जिद हराम यानी बैतुल्ला तो लैके मस्जिद अक्सा तक और फिर दुनिया तो लैके अर्श बरी तक रात दे कुछ हिस्से दे अंदर अल्लाह पाक ने यह सारा सफ़र मेरे आका अलैहि सलात व सलाम नू करवाया। किसे बंदे दी अकल तस्लीम करे या ना करे, कोई बंदा इस गल नू मन्ने या ना मन्ने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक गए ने और आसमाना दी सैर भी सोने ने कीती है। अकल इस गल नू मानदी नहीं कि रात दे कुछ हिस्से च एक किसरा हो सकता है कि तकरीबन दो महीनिया दा सफ़र रात दे कुछ हिस्से दे अंदर पूरा हो जाए। ना इस गल नू अकल मानदी है, ना किसे दा दिमाग मानदा है, लेकिन ए मेराज आमिना दिलाल अलैहि सलात व सलाम नू होया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी किबरियाई अपनी बड़ाई बयान करदिया होया ए बात कही है कि मेरे कोल ताकत मौजूद है, मेरे कोल शान मौजूद है कि मैं अपने बंदे नू रात दे कुछ हिस्से दे अंदर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक लै गया। कुरान इस गल दा गवाह है। अल्लाह फरमांदे ने सुबहान अल्लज़ी असरा बे अब्दही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इल्लहु हुवस्समीउल बसीर। अल्लाह फरमांदे ने बाबरकत ओ जात जेड़ी अपने बंदे नू रात दे कुछ हिस्से दे अंदर बैतुल्ला तो लैके मस्जिद हराम तक लै गई ताके अपने बंदे नू निशानियां दिखाए। अल्लाह पाक ने अपने नबी नू निशानियां दिखाइया और निशानियां इस तरीके दिया ने अकल मन दी नहीं है, अकल किसे बात नू तस्लीम नहीं कर दी। जिस तरीके दिया निशानियां अर्श वाले रब ने अपने नबी नू दिखाइया, हजरात ए अल्लाह दी किबरे आई है, ये अल्लाह दी वडे आई है, ये अल्लाह दी शान है। अल्लाह तो इलावा कोई भी किसे भी बंदे नू इस तरीके दी सैर नहीं करवा सकता।
अल्लाह तो इलावा कोई भी इस तरीके दे नाल मौजज़ा नहीं दिखा सकता। इशाना ने ते आसमान वाले अल्लाह दियाँ, ये कुदरता ने अर्श वाले रब दियाँ, जड़ा एक रात दे कुछ हिस्से दे अंदर अपने नबी नू इत्थों लै के बैतुल्ला तो लै के मस्जिद अक्सा तक लै के गया। कायनात दे लोगो, ये ओहो ही मक्के वाले ने जड़े मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम नू कहा कर देने, अगर तू वाकया ही अल्लाह दा सच्चा नबी है, अगर तू वाकया ही अल्लाह दा सच्चा रसूल है, फिर इसरा करना आसमान ते सीढ़ी ला के चढ़ जा, उतों कुरान लै के आ, असी तेरे हाथ दे अंदर किताब वेखिए ते ता मन्नांगे कि तू अल्लाह दा रसूल है, ता मन्नांगे तू अल्लाह दा नबी है। मैं सदके जावा ते अल्लाह पाक फरमांदे ने सोणिया इन्हां नूं दस दे, कुल सुबहान रब्बी हल कुंतो इल्ला बशर रसूला। अल्लाह फरमांदे ने सोणिया इन्हां नूं दस दे, एक काम मैं अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकता, अपनी मर्जी नाल मैं आसमाना ते नहीं जा सकता, अपनी मर्जी नाल मैं कुरान नहीं लिया सकता, अपनी मर्जी नाल कोई मौजज़ा कोई निशानी मैं नहीं दिखा सकता। हल कुल तो इल्ला बशर रसूला, मैं ते अल्लाह दा बशर हाँ, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। अल्लाह चाहे मेरे ते जिस तरीके दे नाल कोई मौजज़ा मैनू अता करना चाहे, अल्लाह चाहे ते मैनू मिल जाएगा, वरना मैं अपनी मर्जी नाल नहीं कर सकता, मैं अपनी मर्जी नाल कोई मौजज़ा नहीं दिखा सकता। पहलो मेरे आका अली सलातो व सलाम दे सामने डिमांडा पे कर देने कि सानू कोई मौजज़ा वखा। मैं सदके जावा, अल्लाह पाक ने अपने नबी नू आसमाना ते बुलाया, सोना आसमाना ते चला गया है, ते हुण आख देने ये किसरा हो सकता है, इन्ना लंबा सफ़र ये किसरा हो सकता है, इन्ना तवील सफ़र इन्हें थोड़े जे टाइम दे अंदर पूरा हो जाए। मैं कुर्बान जावा, अल्लाह पाक फरमांदे ने सुबहान अल्लज़ी असरा बेअब्दही। ओ तुसी ताज्जब कर दे जे, तुसी ताज्जब कर दे जे कि किवें हो गया, ये होया नहीं है, आसमान वाले रब ने कीता है, ये अल्लाह पाक ने कीता है, अल्लाह जुल जलाले वाले इकराम ने ये सारा मौजज़ा रूनमा करन दे अंदर अपना कमाल दिखाया। और मेरे भाइयों, मेरे आका अली सलाम कहिंदे ने मैं बैतुल्ला दे करीब सुता होया, जिस वेले मैं आराम करदा पिया ते मैनू आ के अल्लाह दे दो फरिश्ते जिब्राइल ते मीकाइल इन्हां आ के जगाया, एक दूसरे नू कहन लगा क्या ये ओहो ही नबी है जिन्हों अल्लाह पाक ने सा, क्या ये ओही बंदा है जिदे वाल अल्लाह ने सानू भेजे है, ते दूसरा कहन लगा हाँ ये ओहो ही है। हुजूर फरमांदे मैनू फरिश्तिया उठाया ते मैनू जम जम दे पानी दे कोल, जम जम दे कुवे दे कोल लिया के लिटाया, जिबरील ने मेरा सीना चा किया, मेरे दिल नू ऐसरा चीर दिता है, मेरा सीना चा कर दिता गया, सोने का एक तखत तश्त लिया गया, उहदे अंदर एक प्याला रखिया जिहदे अंदर हिकमत भी है, जिहदे अंदर ईमान भी है। हुजूर फरमांदे ने मेरे दिल नू जम जम नाल धो के उस सारी हिकमत, सारी अल्लाह दी तरफो जड़ी हिकमत ते ईमान है वह मेरे सीने दे अंदर रख, वह मेरे दिल दे अंदर पा के सीने च रख के सी दिता गया। हुजूर फरमांदे ने वापस रख के सी दिता गया, वह किसी का सीना चाक होए वह बचदा नहीं है किसी का दिल बाहर निकल आए
वह बचता नहीं है। किसी इस तरीके औजारा दे किसी का सीना चा कर दो बचना नामुमकिन हो जाता है। पर मैं सदके जावा सोने का सीना चाक भी होया तो सोने होया भी कुछ नहीं, एक कुदरत अल्लाह दी है, मौजज़ा मुहम्मद मुस्तफा दा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामना दरवाज़ा खोल दो जरा, पर्दा गिरा देना। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा मौजज़ा। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने मेरा सीना चाक कर दिता गया है, मेरे सीने दे अंदर ये हिकमत ते ईमान भर दिता गया है। हुजूर फरमांदे ने मैं फिर बैतुल्ला ते बार फरिश्तिया दे नाल आया, मैं आल के देखना फरिश्ता एक सवारी लैके आया, सफेद रंग दी सवारी, सफेद कलर दी है। दरवाजे सारे खोल दो, यही दरवाजा इन खोल दो सारे। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमाते ने जो सवारी मेरे करीब आई तो सवारी कसमसाई तड़पन लग पई, जबरील आला वो तेनू पता नहीं है इस टाइम तेरे ते सवारी करने वाला कौन है। जो पाक पैगंबर अलैहि सलाम का नाम लिया तो सो बुराक सफेद कलर का खच्चर शराबूर हो गया पसीने दे अंदर, पसीना पसीनों पसीनी हो गया। मेरे पैगंबर का नाम सुन के मैं कुर्बान जावा, मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने मैनू सवारी ते सवार कीता गया, जबरील मेरे नाल असी सवारी ते सवार हो गया। तेज़े जानवर इन्नी तेज़ नाल उन्हें चलना शुरू कर लिया ते जिन्नी हद निगाह उन्नी दूर तक उदा कदम जा रहा है। इन्नी तेज़ रफ्तार जानवर है कि जिथों तक उदी निगाह जाती है उतों तक उदा कदम जा रहा है। मैं कुर्बान जावा, मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने ए आ रात दे अंदर ये मंजर वेख्या। अच्छा, कोई बंदा ये समझे ना कि नबी पाक ने ख्वाब वेख्या सी, ते नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा ये जड़ी मेराज है ये जागदियां कीती है, ख्वाब अंदर नहीं। इमाम कायनात अलैहि सलातो सलाम ने कुछ मंजर मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक जांदिया वेखे ने, ते कुछ मंदर मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने आसमान ते जाके देखे ने। अल्लाह अकबर अल्लाह दसन वाली गल एवे, मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने जड़े मौजज़े वेखे, मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम ने जो अकल नू हैरान कर देने वाली गल्लां वेखियां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़े मंजर वेखे इस तरह के मंजर नज़र आते नहीं है। कोई बंदा ख्वाब वेखे ना, सवेरे उठे सारी ख्वाब याद नहीं रही, सारिया गल्लां याद नहीं रहिंदियां, बंदे दे ज़हन चो निकल जांदियां ने। पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा कुछ हकीकत च वेख्या, अल्लाह ने वहाया, ये अंदर कोई इतराज़ करने वाली गल कोई नहीं, ये अंदर शक करने वाली गल कोई नहीं। और अकल तो हैरान हो सकती है तो मौजज़ा आंद ही उन्होंने जेड़े जड़ा अकल नू हरा के रख दे, मौजज़ा आंद ही उन्होंने जड़ा अकल नू हरा के रख दे। जिदे सामने अकल ना चले और अकला बंद कर देने वाला ही तो मौजज़ा होंदा है ना। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जिस वेले मैं बुराक ते बह के जा रहा तो मैं रस्ते दे अंदर वेखना एक ऐसे लोग ने अपनी फसल कट देने, जिवें ही कट के साइड ते होंदे ने फसल दोबारा फिर लहलहाण लग पैंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मौजज़ा है। रात दे टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मंजर वेख्या भी एक ऐसी कौम है जड़ी इधरों फसल वढ़ दी है तो जनाब दस मिनटा बाद थोड़ी देर बाद वो फसल फिर पक के तैयार हो जाती है।
जिबरील असलाम नबी पाक दे नाल ने हजूर पुछते ने जिबरील मैनू ये तो दासा मंजर की है, की वजह केड़ा अंसर मैनू दिखाया जा रहा है, आ जिहड़ा मैनू मंजर दिखाया जा रहा यदा सबब की है, वजह की है। तो जिबरील अर्ज करते सोने ये जड़ा मंजर तुहानू दिखाया जा रहा है ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े अल्लाह दी राह दे अंदर जिहाद करन वाले, जेड़े अल्लाह दे राह दे अंदर जिहाद करन वाले अपनी जाना कुर्बान करन वाले मुजाहद ने, ये उन्हां दे अजर ते सवाब दा मंजर अल्लाह ने तुहानू दिखाया है। ये जिस तरह बार बार फसल पक के तैयार हो जाती है ये कट लेंदे ने, इस तरह इन्हां मुजाहदां दा अजर इन्हां दे नामा अमाल दे अंदर जमा किया जा रहा है। जिन्हां लोगों ने अल्लाह दे राह च जिहाद किया अपनिया जाना कुर्बान कीतिया ने, उन्हां दा अजर है। अल्लाह पाक ने इस अजर नू 70% तो ज़्यादा 700 गुना तक अल्लाह पाक ने इस अजर नू बढ़ा देना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गल्लां क्यों दसियां ताकि उम्मत दे लोगों नू समझ लग जाए। अल्लाह ने मुजाहद नू जिन्ना अजर देना है, अल्लाह ने मुजाहद नू जिन्नी शान देनी है। एक मुसलमान दा ईमान हो जाए, एक मुसलमान दा यकीन हो जाए, इसलिए अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं ए मौजज़ात दिखाए। मैं कुर्बान जावां, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं थोड़ी देर अगे जा रहा, थोड़ा जिहा मैं फासला होर तय कीता ते मैं वेख्या मैनूं अल्लाह ने एक मंजर विखाया। वो मंजर की है, एक बंदे दा सिर पत्थर दे नाल कुचलिया जा रहा है। फरिश्तिया ने एक बंदे नू पत्थर ते इस तरह लिटाया है, उदे सिर दे थल्ले पत्थर रखे है, उतो पत्थर मार दे ने, उदे सिर नू कुचल के रख देंदे ने। जिसदों ही वो इस तरह दोबारा पत्थर चुक के तां करदे ने, जिन्नी देर पत्थर चुकन अंदर लगती है इन्नी देर अंदर उस बंदे का सिर दोबारा फिर सही हो जाता। हजूर फरमाते ने मैं पूछा जिबरील आ की मंजर है, ऐ की गल है, इस मंजर का की मतलब है, ऐ जिहड़ी सजा दिती जा रही है सजा क्यों मिलती पई है। अर्ज की सोणिया ये सजा इसलिए दिती जा रही है ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जिन्हां दा सिर फर्ज नमाजा दे टाइम भारी हो जांदा सी, ये ओ लोग ने जिन्हां दा सिर फर्ज नमाज दे टाइम भारा हो जांदा सी। असी वेखदे नहीं आ किन्ने लोग ने जिन्हां नूं आखी यार आओ नमाज पढ़न चलीए, आओ नमाज दी तरफ आओ नमाज दा पैगाम दवो, उन्हां दी तबीयत विगड़न लग पैंदी, बहाने शुरू हो जाते, किसी के कपड़े ठीक नहीं, किसी की नीयत ठीक नहीं, किसी को टाइम नहीं, कोई कहिंदा तू चल तो मैं आया, तू पढ़ के आ मैं भी तेरे मगर आया, कोई कहिंदा मेरे वास्ते दुआ करो अल्लाह मैनू भी नमाज की तौफीक दवे, हालां अपना अमली तौर पर मेहनत करता नहीं, अमली तौर पर कोशिश करता नहीं, नीयत कोई नहीं नमाज पढ़न की, बस जी च रोंदा है। ते याद रख लेना कुरान भी यह गल कहिंदा फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना वयमनाउनल माऊन। अल्लाह फरमांदे ने एहो जा नमाजी जड़ा कदी नमाज पढ़दा जड़ा कदी नहीं पढ़दा, जड़ा कदी दो पढ़ लिया चार पढ़ लिया कदी पांच पढ़ लिया कदी एक पढ़ ली कदी ना पढ़ी, इस तरीके दा जड़ा नमाजी है अल्लाह पाक फरमाते ने जिन्हां नूं अपनिया नमाजा की फिक्र कोई नहीं, जिन्हां नूं नमाजा दे बारे गौर कोई नहीं, जड़ा नमाजा की फिक्र नहीं करदा क्यामत आले दिन उहदे नाल हशर कैसा होएगा, जिहड़ा नमाज नूं ज़ाया कर देण वाला है। मेरे आका फरमांदे ने फरिश्ते उहदा सिर
पत्थर दे नाल कुचल देने ते जदों पत्थर नाल कुचल देने तजर्बा करके वेख लो बंदे दा छोटा जिहा उंगली दा पोरा भी किसे चीज़ दे थले आ जाए ना बर्दाश्त नहीं हुंदा बंदा दर्द बर्दाश्त नहीं करता और दुनिया ते किसे दा सिर कुचल दिता जाए वह बंदे उन्हूं मौत वाकिया हो जाती है बंदा मर जाता है पर इस दर्द नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सोचो जिस बंदे नूं बार बार ये सज़ा मिले जिस बंदे दे उत्ते बार बार ये सज़ा मुसलत कर दी जाए हुजूर फरमांदे ने सिर सही होने अंदर इन्ना ही टाइम लगना है जिन्ना टाइम फरिश्ते नूं पत्थर चुकन अंदर लगता है। इसलिए अल्लाह रसूल का पैगाम है ये इबरत है ये नसीहत है ये साडे वास्ते अल्लाह दे वल्लो खैर खाई दा पैगाम है जिहड़ा बेनमाज अपनियां नमाज़ां दी फिक्र नहीं करदा जिन्हों अपन नमाजा की फिक्र नहीं है मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम अपन अखां नाल मंजर तक के आए ने नबी की बात का यकीन है कि नहीं नबी की बात का एतबार है कि नहीं मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम अपन अखां दे नाल ये मंजर तक के आए ने कि बेनमाज बंदा नमाजा के टाइम जिन्हों नींदर आती है जिदा सिर चकराउन लग पैंदा है। अच्छा ये गल कोई आम गल नहीं असी अपने माशरे च मैं अपनी अखां नाल बंदे वेखे ने आंदे मौली साहब पता नहीं की गल है जदों कोई नमाज का टाइम हुंदा अजान का टाइम हुंदा ना बड़ी सुस्ती जी पै जांदी दिल नहीं करता दिल तेरा किवें करे तेरा दिल बीमार है तेरे दिल ते स्याही चढ़ गई है जलालत दी गुमराही दी स्याही चढ़ चुकी है जिदे मुतलक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी जो बंदा एक गुनाह करता है ना उदे दिल ते काला नुकता लग जाता है। अच्छा हुण इहदा मतलब ये नहीं उस काला नुतके उस नुकते का मतलब ये नहीं कि बंदा किसी का दिल चीर के वेखे भी उदे ते निशान पिया कि नहीं इस नुकते तो मुराद एक नुकते जिनी गुमराही उदे दिल ते आ जाती है एक नुकते जिनी गुमराही उदे दिल ते आ जाती है। हजूर फरमाते ने फिर जो दूसरा गुनाह करता है फिर दो नुकते जिनी हो जाती है तीसरा गुनाह करता है तिना नुकते जिनी हो जाती है चौथा गुनाह करता है चार नुकते जिनी हो जाती है जिमें जिमें गुनाह करता जाता उवें उवें उस बंदे का दिल काला हो जाता है और जो मुकम्मल बंदे का दिल काला स्याह हो जाता फिर कुरान की कहना उन्हें कोई परवाह नहीं हदीस की आती है उन्हें कोई परवाह नहीं उन्हें जर्रा बराबर भी टस तो मस नहीं होता उन्हें कोई फिक्र नहीं मेरा अल्लाह की कह रहा है उन्हें कोई फिक्र नहीं मेरा नबी की कह रहा है उन्हें कोई फिक्र नहीं मैं मरना अल्लाह को जवाब देना है। वेखे नहीं बंदे उन्हें कर लेने कोई नेकी की गल कहो कर लेने हजे टाइम कोई नहीं क्योंकि उन्होंने दिल विचों अल्लाह का डर निकल चुकिया होंदा ऐसे बंदियां दे दिल उत्ते मैं समझना कि वह गफलत का जड़ा स्या जी गफलत की स्याही है वह चढ़ चुकी होंगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह बात वजाहत नाल दस छड़ी है। अज अगर कोई बंदा ये चीज़ नूं सोचे समझे तो उन्होंने बाकिया तक इस चीज़ की समझ आएगी कि मैं जिंदगी की करना या मैं की कर रहा। लेकिन अगर कोई बंदा कहे मैनू किसे समझाया नहीं मैनू किसे दसिया नहीं मैनू मेरे तक कोई खबर नहीं आई तो गल गलत है। अल्लाह ने हर अंदाज नाल बात साढ़े तक पहुँचा दी है अगो असी खुद ना समझिए तो साड़ी मर्जी है। बार कैफ नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने उस बेनमाज की एक कैफियत बनाई जा रही है मेरे अल्लाह ने मैनू मिराज की रात विखाया मैं वेख्या उस बंदे दा सिर पत्थर दे नाल कुचलिया जा रहा है। मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम थोड़ी देर कहंदे ने मैं होर दूर गया जिवें जिवें मेरा सफ़र अगे चलता जा रहा है अल्लाह की जात मैनू एक तो वध एक मंजर दिखाता जा रहा है। हुजूर फरमाते मैं थोड़ी देर होर
सफर किया, थोड़ी जिनी दूर गया मैं वेख्या कुछ लोग ऐसे ने जिन्हों के मूँह चीर दिते गए ने। अल्लाह पाक ने फरिश्ते मुकर्रर किए ने, फरिश्ते बंदियां दे जिस्मां नू चीर देंदे ने और उन्हां दे मास उन्हां दे जिस्म तो इस तरीके दे नाल लटक रहे ने जिस तरीके दे नाल फटे हुए कपड़े दियां लीरां या टाकियां लटकदियां ने। अल्लाह अकबर। ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने ओ जहन्नम दे अंगारे अग दे अंगारे इस तरीके दे नाल खा रहे ने जिस तरह ऊंट जिसनों बहुत ज़्यादा भुख लगी होए वो ऊंट जिस तरह चारा खांदा इस तरीके दे नाल वो अग दे अंगारे पै खा रहे ने। ते मैं पूछिया जिबरील आ कौन लोग ने जिन्हां इस तरीके की सज़ा दी जा रही है, आ कौन लोग ने जिन्हां इस तरीके दे नाल अल्लाह की ज़ात सज़ावां दिवा रही है। जिबरील अर्ज करदे सोणिया ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जिहड़े ज़कात नहीं सन दिंदे, या ये वो लोग ने जिहड़े अपनी जिंदगी अंदर ज़कात नहीं सन दिंदे। अल्लाह पाक ने जिहड़ी साडे ते फर्ज कीती है ज़कात वो साडी खैर खाई लई कीती है, साडी बेहतरी लई कीती है। जिस बंदे कोल इन्ने पैसे होण कि उहदे कोल ज़कात देन तक नसाब पहुँच जाए वो बंदा ना दे तो समझ लवो कि क्यामत वाले दिन उहदा की हशर होएगा। ये जड़े अक्स अल्लाह ने वहाए ने, ये जड़े मंदर अल्लाह ने वहाए ने वो इस वास्ते ने ताकि उम्मत मुहम्मदिया दे लोग समझ जान ज़कात ना देन वाले दी सज़ा की है। जड़ा अपनी जिंदगी दे अंदर ज़कात नहीं देंदा अल्लाह दी ज़ात कल क्यामत वाले दिन वो नाल की हशर करनगे, किस तरीके की उन्हें सज़ा मिलेगी। मेरे आका अली सलातो व सलाम दा फरमान इस बात ते बयान दलील है। कुरान भी ये गल कहिंदा जेड़े लोग ज़कात नहीं देंदे माल नू जोड़ जोड़ के छुपा छुपा के इकट्ठा कर कर के रखते ने अल्लाह की ज़ात उन्हां दे नाल इस तरीके का रवैया करवाणगे, इस तरीके की सज़ा मिलेगी। उन्हां दे जेवर नू उन्हां दे सोने नू चांदी नू गर्म किया जाएगा और जो अग दे अंदर गर्म किया जाएगा उस गर्म उस सोने ते चांदी नू इन्हां दियां कमरां ते इन्हां दियां पुश्तां ते दागिया जाएगा। फरिश्ते कहणगे आ ओहो ही माल है जिहड़ा तुसीं छुपा छुपा के रखदे सो, ऐ ओहो ही माल है जिदी तुसी ज़कात नहीं सो देंदे, आ ओहो ही माल है जिहड़ा तुसी अल्लाह दे राह च खर्च नहीं सो करदे। पता है कि लगा कि जिहड़ा ज़कात दा मुनकर है, जिहड़ा ज़कात अपनी जिंदगी च अपने माल चो नहीं कढ़दा वह दुनिया ते छुपा लेगा लेकिन आखरत ते उहनू देना पएगा, इहदा बदला देना पएगा, सज़ा भुगतनी पएगी। क्यों? ज़कात अल्लाह दा कानून है, ज़कात देना अल्लाह वल्लों फर्ज है। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने मैं मुनकरी ने ज़कात ज़कात खोरां दा ये हाल वेख्या है, अल्लाह पाक उन्हां दे जिसम दे लिथड़े जिसम दे टुकड़े करके लटकाए होणगे। कदी मंजर वेखना होवे ते कसाई दी दुकान ते जाके वेख लो किस तरह उन्हें जानवर के गोश्त के टुकड़े लटकाए होंगे ने। इस तरीके नाल ज़कात ना देने वाले की अल्लाह पाक ने सज़ा रखी है। आ निशानिया ने जिदियाँ कुरान ये गल कहिंदा असी अपने नबी नू सैर ता करवाई ताकि असी उन्हूं निशानियां दिखाईए, ये अल्लाह दी वल्लों निशानियां ने। मेरे आका अली सलातो व सलाम कहिंदे ने मैं जिस वेले मंजर वेख्या नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप भी उत्थे परेशान होंदे ने। एक बंदा पहली बारी कोई सज़ा वेखे, पहली बारी कोई हौलनाक मंजर वेखे, इंसानी फितरत है उहदे उत्ते कफीयत आ रही होंदी है, बंदा डरदा है परेशान होंदा है कि यार ऐसा वहशतनाक मंजर है ये किस तरह मेरे ये किस तरह ये एक जो सज़ा वार है वह किस तरह इस दर्द को बर्दाश्त करेगा। ता ही नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह सानू ये गल्लां दसियां। ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने अल्लाह दी जात मैनू थोड़ी होर दूर लैके गया, मैं फरिश्ते दे नाल थोड़ा होर सफर तय किया, अगला मंजर
अल्लाह की जात ने मैनू ये दिखाया है। अगला मंजर मैनू ये नज़र आया, इमामे कायनात अली सलाम फरमाते ने मैं वेख्या कि दस्तरखान लगा, दस्तरखान ते एक साइड ते साफ सुथरा बेहतरीन खाना पिया, बेहतरीन गोश पिया, जिदे अंदरों बड़ी सोहनी खुशबू आ रही है। एक साइड ते जनाब बड़ा गलिया सड़िया बदबूदार गोश पिया होया। मैं हजूर फरमाते ने मैं वेख्या कि लोग बजाए इस दे कि खुशबू वाला ताज़ा गोश खान, लोग बदबूदार गोश खा रहे हैं, बदबूदार गोश खाई जा रहे हैं। तो मैं पूछया जिबरील आ की मंजर है, किस वजह तो ये बदबूदार गोश पै खा रहे ने? ते जिबरील अर्ज करते सोने ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जेड़े अपनी जिंदगी दे अंदर अपनिया हलाल बीवियां नू छड़ के, अपनी जिंदगी दे अंदर अपनिया हलाल बीवियां नू छड़ के हराम औरतां दे नाल ताल्लुक कायम करने वाले ये ओ लोग ने जिन्हें अपनिया शादियां करवाण दे बावजूद इन्हां दियां जिंदगियां च शादियां भी हो गई ने, लेकिन फिर भी गैर औरतों के नाल ये जनाब सियाकारियां करते ने, बदकारियां करते ने। अल्लाह पाक ने ये अक्स मैनू दिखाया है, ये मंजर मैनू दिखाया है, इन्हां दी सजा है अल्लाह दी जात क्यामत आले दिन इन्हां नू गलिया सड़िया बदबूदार गोश खिलाणगे जिहड़ा इन्हां कोलो खाया नहीं जाएगा। याद रखना ये दुनिया की गल नहीं, वो गोश असल अंदर जहन्नमी अंगारे होणगे। वो जिहड़े गोश दी अल्लाह पाक ने गल की है ना, वो असल अंदर जहन्नमी अंगारे होणगे, जिस वजह तो इन्हां कोल खाए नहीं जाणगे। तो मेरे आका अली सलाम तो सलाम फरमांदे ने मैं जिस वेले वो मंजर वेख्या, जबरील ने मैनू दस्या सोने ये तुहाडी उम्मत दे ओ बदकार लोग ने जिहड़े शादियां हो जाण दे बावजूद भी हरामकारियां करने वाले। हजूर फरमांदे मैं थोड़ा जिहा होर अगे गया, मैं वेख्या एक लकड़ी है जड़ी एक रस्ते दे अंदर गड्डी होई है, हर आने जाने वाले दे कपड़िया नू फाड़दी पई है। लकड़ी है हर आने जाने वाले बंदे दे कपड़िया नू फाड़दी पई है। मैं पूछया जबरील आड़ी लकड़ पई है इहदा की मकसद है? ते जबरील अर्ज करदे सोणिया ये लकड़ी नहीं है, असल अंदर ये ओ बदबख्त बंदा है जेड़ा अपनी जिंदगी दे अंदर गलियां बाजारां ते चौकां दे अंदर बह के लोगां नू आंदिया जांदिया छेड़न वाला, तंग करन वाला, लोगां ते जुमले कसण वाला ये ओ बंदा है जिहदी जबान तो लोग तंग होया करदे सन। हजूर अली सलात व सलाम ने बात दसी है ना कि भई ये वो बदबख्त बंदा है जड़ा गलियां दियां गलियां च खड़ा रहिंदा सी, बाजारां च खड़ा रहिंदा सी, चौकां च बह रहिंदा सी, आउण जाण वाले दियां चुगलियां करदा सी, किसे दी बेटी बहू गुजरदी उहदी इज्जत ते हमले करदा, उहदी इज्जत ते जुमले कसदा, ये वो बदबख्त है। इहदी जिहड़ी इहदा जिहड़ा अंसर है वह अल्लाह ताला ने अपने नबी नूं मिराज वाली रात दिखाया। ते वाकया ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन का बेहतरीन टुकड़ा मस्जिद करार दिता है, जमीन का बेहतरीन टुकड़ा अल्लाह का घर मस्जिद है और बदतरीन टुकड़ा जमीन का नबी पाक ने बाजार नूं आख्या है। और बाजार अंदर बिला वजह तो खड़ा होना, बिला वजह बाजार के अंदर डेरे लाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात तो मना किया है। एक सहाबी कहन लगा अल्लाह दे नबी मैं कामयाब होना चाहना, मैनू दसो अल्लाह की जात मैनू क्यामत आले दिन जन्नत अता कर दे तो किवें मिलेगी? आका फरमांदे ने तेरे वास्ते कामयाबी ए वे एक ते अल्लाह नाल शिरक ना करी, अल्लाह दे नाल शिरक ना करी फिर भी कामयाब हो जाएगा, और दूसरी गल ए वे बाजारा अंदर आवारा गर्दी ना करी, जो फारग टाइम होए अपने घर के अंदर रही, जिन्ना टाइम तू फजूल
बाजारा गलिया दे अंदर सर्व करेगा, उदे नालो बेहतर है कि तू अपने घर के अंदर बैठा रहे, ये भी तेरे वास्ते कामयाबी की जमानत है। और मेरे नबी ने कितनी बेहतरीन गल की थी। एक बंदा बाहर गली च बैठा, उत्थे लड़ाई हो पई, बिला वजह उहदे च मुलव्वस हो गया, कोई हादसा हो गया बिला वजह उहदे च मुलव्वस हो गया, कोई मसला बन गया बिला वजह उहदे च मुलव्वस हो गया। तो जे बंदा यही अपने घर रहे तो बड़िया सारिया बीमारियों तो बड़िया सारिया मुसीबतों तो बंदा वैसे बचा रहा है। बाहर कैफ, बाहर निकलना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहदा पता की लगा कि जिहड़ी लकड़ी लोगों के लिबास फाड़ दी है, वह असर दे अंदर बाजारा दे अंदर बह के बंदा लोगों दियाँ इज्जत ताकण वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस गल तो भी मना किया कि बाजारा दे अंदर नहीं बैठना। आका अली सलातो व सलाम बंद फरमाते ने, मैं थोड़ी जिनी होर दूर गया, मैं एक होर मंजर वेख्या। एक बंदे ने चादर विछाई हुई है, कोई कपड़ा बिछाया, उहदे अंदर इन्ना समान पाई जा रहा है जिन्ना पहले तो मौजूद है। अगर उहदी उह गठड़ी बना के अपने सिर ते रखे उठाई नहीं जानी, लेकिन फिर भी उहदे अंदर समान पाई जा रहा है पाई जा रहा है। आका फरमांदे, मैं पूछिया जिबरील, आ कौन बंदा है, किस वजह तो यह काम पिया करदा है। अर्ज कीती, सोणिया ये दुनिया का वो बंदा जड़ा हजे पहले ही लोगों के हक नहीं दे सकता, जिन्हें लोगों के इन्ने क हक खा ले ने वो पहले ही नहीं दे सकता, होर खाई जा रहा है होर हड़प करता जा रहा है। जे कोई अमानत देंदा ते तां खा जांदा, उधार किसी को लै के खा गया, किसी को खो के खा गया, किसी को जबरदस्ती लै के खा गया, पहले हक नहीं लोगों के वापस किए जान रहे तो अगों होर खाई जा रहा। पता है यह किस तरह खमियाजा भुगतना पेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक अंदर की तशरीह इस अंदाज नाल कीती है। आका फरमांदे ने, तुहानू पता है गरीब कौन है, मुफलस कौन है, माड़ा किनू आंदे ने। सियाबा अर्ज कीती, सोणिया माड़ा होवे गरीब होवे जिहदे कोल दौलत नहीं पैसे नहीं, मेरे आका अली सलाह तो सलाम फरमाते ने, ना ना इनू माड़ा नहीं आते, इनू गरीब नहीं आते। गरीब तो वो होवे क्यामत का दिन होएगा मैदान माशर के अंदर अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह के दरबार के अंदर एक बंदा आएगा जिदिया नमाजा जिदे रोजे जिदिया नेकियां बहुत ज्यादा होनगियां, बहुत ज़्यादा नेकियां इस बंदे दे नामा माल दे अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, नेकियां ते गुनाहां नूं गिणिया जाएगा, गुनाह किन्ने ने नेकियां किन्नियां ने, अल्लाह दी तरफों जदों गुनाह नूं गिणिया जाएगा तो गुनाह घट जाणगे नमाजा नेकियां वध जाणगियां। अल्लाह वल्लों ऐलान होएगा इस बंदे नूं लै जाओ इहनूं जन्नत दा दाखला दे दो। आका फरमाते ने, उन्हां कदमां ते एक बंदा आ जाएगा, आन के अर्ज करेगा, अल्लाह सोणिया ये अदालत तेरी है, ये हुकूमत अज दे दिन दे अंदर तेरी है, ये बंदा जिहड़ा तेरे दरबार दे अंदर नेक ते पाक बास गर्दान दिता गया है, अल्लाह के सामने फरियाद करेगा, अल्लाह सोणिया ये बंदा पता कौन है। हालां अल्लाह नूं हर गल का पता है, अल्लाह ने इतमाम हुज्जत करवानी है, फरिश्तियां नूं दसना है, शैतान नूं दिखाना है कि आ वेख जिहड़े मैं वादे कीते ने मैं पूरे करन लगा। बंदा कहेगा अल्लाह सोणिया ये बंदा वो वे जिन्हें मैनू जिंदगी च गालां कढ़ियां, मेरी इज्जत नूं निलाम कीता, ये तगड़ा सी, इहदे कोल बंदे ज़्यादा सन, इहदी हैसीयत ज़्यादा सी, अल्लाह मैं इहदे कोलों बदला नहीं लै सकिया ते मैं इस वास्ते चुप कर गया कि जो तेरी अदालत लगेगी मैं उदे विच ते अपनी इस इज्जत का बदला लवागा। अल्लाह मैं दुनिया ते नहीं लै सकिया, मैं माड़ा सां, अज तेरी अदालत लगी है मैनू इहदे कोलों बदला लै के दे। आका फरमांदे ने, ना उत्थे पैसे ना उत्थे दौलत ना उत्थे दुनिया का मालो मता। बंदा पैसे देवे गवाह बदल जांदे ने,
पैसे दवे गवाइयां मुकर जांदियां ने, झूठियां गवाइयां लोकी दे छड़दे ने। उस जगह ते ते कोई दौलत ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आएगी, कोई वक्त वैल्यू नहीं होएगी। हुजूर फरमांदे ने अल्लाह दा इंसाफ की होएगा, अल्लाह ताला इंसाफ करनगे कि उस जालम दियां नेकियां जिन्ना नमाजा ते नेकियां ते मान करदा सी इस बंदे नूं दे दित्तियां जाणगियां। ये जाएगा ते दूसरा आ जाएगा, अल्लाह सोहणिया इन्ने मेरा जबरदस्ती माल खादा। अज साडा इस गल ते यकीन नहीं, किसे दे पैसे खान लग्या, किसे दी जमीन हड़प कर लग्या, किसे दा हक खान लग्या, किसे दी जनाब चीज़ ते कब्जा करन लग्या, किसे नू किसे अपने किसे दे हक तो महरूम कर लग्या, असी एक मिनट वास्ते नहीं सोचते कि एक दिन अल्लाह की अदालत लगनी है। एक दिन मालक ने साडे कोलों पुछना है, सानू इस गल दा एक मिनट लई ख्याल नहीं आता। लेकिन मेरे आका फरमाते ने उस अदालत दे अंदर इनू पेश किया जाएगा, तो अल्लाह के सामने बंदा कहेगा अल्लाह सोने ये वो बंदा है जिन्हें मेरा माल खो के खादा, जिन्हें मेरे नजायज मेरा माल खो के खादा, तो मैं दुनिया से लै ना सकिया, मैं माड़ा सा, मैं गरीब सा, लेकिन मैनू यकीन सी कि तेरी अदालत लगेगी। अल्लाह मैनू यकीन सी कि तेरी अदालत लगेगी, मैं तां दुनिया से चुप करके सह गया भी चल जो रब के दुआरे जावांगे मैं फिर सवाल करांगा, अल्लाह अज मैनू बदला लैके दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते ने वह भी बाकी नेकियां उन्हें दित्तियां जाणगियां। हजे वह जाएगा तीसरा होर आ जाएगा, अल्लाह इस बंदे ने मेरी इज्जत बर्बाद की, मेरे ते इल्ज़ाम लाया, मेरी इज्जत नीलाम की, मेरे ते झूठे केस बनाए, मेरे ते झूठियाँ इल्ज़ाम तराशियाँ करके दुनिया ते मेरी इज्जत नू तार तार किया, अल्लाह मैं ते कोलों बदला नहीं लै सकिया। अल्लाह ताला कहणगे कि फरिश्ते मेरा इंसाफ है वे इहदियां नेकियां भी इहनू दे दवो। जिस तरह ने बंदे आउंदे जाणगे ओवें ओवें नेकियां घटदियां जाणगियां, हत्ता के हजूर फरमाते ने नेकियां मुक जाणगियां, लैण वाले दी हजे लैण लगी होएगी। ये हुई मंजर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने मिराज वाली रात दिखाया कि बंदे ने चादर बिछाई है, अपना कपड़ा बिछाया, उहदे अंदर इन्ना समान भरी जा रहा है कि उहदे कोल चुकिया नहीं जाना लेकिन होर पाई जा रहा है। ये हुई कैफियत, ये हुई सूरत हाल अज साडी है। असी किसी एक नू धोखा दिता होवे ते तां, किसी एक नाल फराड किया होवे ते तां, किसी एक नाल बेईमानी की होवे ते तां, साडा ते सुबह तलाक के शाम तक धंधा ही है वे, कारोबार ही है वे। एक लम्हे वास्ते नहीं असी सोचते कि जो कल नू अल्लाह की अदालत में जावांगे तो की जवाब देवांगे। अज कोई इस बात नू यह समझे कि शायद मौली साहब कोई डरावनी कहानी पढ़ के आए ने जिहड़ी सानू सुना रहे ने, कोई सानू डरावना किस्सा सुना रहे ने, कोई किसी का ख्याल कोई वहम सुना रहे ने। वो खुदा की कसम अल्लाह पाक ने यह सारिया चीज़ा अपने नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते नाजिल कीतियां ने। सिर्फ फर्क इन्ना है शैतान सानू मनन नहीं देता, फर्क इन्ना है साढ़े दिल से जड़ी बजी गांडे खुलदी नहीं, फर्क सिर्फ इन्ना है कि साडा दिल जड़ा पत्थर होया मोम नहीं हुंदा। वगरना कुरान की आयात हर गल खोल खोल के दसी जा रही है, हदीसा गल खोल खोल के दसी जा रही ने। इमाम कायनात अली सलाम ने फरमाया मैं थोड़ा जहा अगे होर चलिया, मैं एक मंजर वेख्या कि लोगों नू उल्टा लटकाया गया है, उल्टे लटके ने लोग फरिश्ते जहन्नमी औजारा दे नाल उन्हां लोगों के मूँह जड़े ने इस तरह चीरते जा रहे ने, उन्हां दियां नथ ने उन्हां दियां वराछां चीरिया जा रही ने। वो लोग आहो बका पै करते ने, आहो बका पै करते ने, और उन्हां दे मूँह चो दर्दनाक आवाज़ा पईयां निकल दियां ने। मैं पूछया जिबरील आ किहड़े लोग ने जिन्हां नाल ये हालत की जा रही है, अर्ज की सोणिया ये वो लोग ने जेड़े फितने दे खतीब सन। हुजूर फरमांदे ने ओ लोग ने, जिबरील ने मैनू जवाब दिता ये ओ लोग ने जिन्हां दी गल तो फितना फैलदा सी, जेड़े लोगां अंदर तकरीरां करदे सन
वाइज भी करते सन लेकिन लोगों का झगड़ा करवा देंदे सन, लोगों की लड़ाई करवा देंदे सन, लोगों के दरमियान फितना फसाद फैलता सी इन्हां दी गल्लां दी वजह तो। इस गल दे विच खाली मौलवी नहीं, इस गल विच सियासी हर वह बंदा जिहदी जबान ज़्यादा चलती है, जिहदी जबान जिहदा असर जिहदी गुफ्तगू ज़्यादा लोगों तक जाती है, जिहदा लिटरेचर जिहदी गुफ्तगू जिहदा अंदाज लोगों अंदर फितना बपा करता, मेरा ईमान है कि हर उस बंदे दे नाल इस तरीके की सज़ा होएगी जिन्हें लोगों अंदर फितना बपा करन वास्ते सारे काम किए। कितनी खुशी महसूस करने हैं अज मुसलमान एक मसलक का बंदा खतीब सद के उन्हें कहता जी तुसी दूसरे मसलक वाले की लंब ला दो, जेड़े साड़ी गल नहीं मानते उन्होंने ऐसी दी तैसी फेर दो। खतीब जनाब उत्थे फिर ऐसे ऐसे फतवे जड़ के जाता, आप तो गल करके तुर जाता मगरले डांगो डांगी हो गए एक दूजे का सिर फाड़ लिया। साढ़े माशरे की एक तस्वीर है कि उलामा नूं बुलाया जाता है, उन्होंने को तकरीरां करवाईया जांदियां ने और फिर उन्होंने कहा जाता है कि इस तरीके की लंब लाओ कि अगले मसलक वालियां दी ऐसी दी तैसी फिर जाए। ये हर बंदे नूं अपने गिरेबान अंदर झांकना होएगा कि आया कि मैं किसी की इसलाह पिया करना, आया कि मैं किसी की खैरखाई पिया करना, आया कि मैं किसी की बेहतरी करन रहा या मेरी गल दे नाल नुकसान हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा इस तरीके का फितने का खतीब है जिदी जबान चो फितना निकलता है अल्लाह की जात क्यामत वाले दिन उसकी जबान कटवाएगा, उसकी वराछा चरवाएगा। इसलिए ये गल्लां बड़िया अहम ने। और दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहदा मफहूम यह वे कि ये वो लोग ने जेडे खुद ते लोगों नूं नेकी का दरस देंदे सन लेकिन आप नेक काम नहीं सन करते। कई लोग आते ने लो जी फलाना फलाना मौलवी फलाना इमाम फलाना आलिम फलाना खतीब जनाब वो इस तरह करता वह फला करता, वो यारो इस अदालत अंदरों किसे नहीं बचना, कोई इमाम ज़्यादा भी क्यों नहीं, पीर ज़्यादा भी क्यों नहीं, कोई जनाब किसे भी बड़े तो बड़े आलम दा साहब ज़्यादा भी क्यों नहीं, जो अल्लाह के दरबार अंदर चला गया उत्थे किसे दी रौ रैत जरा बराबर नहीं होनी, उत्थे अपने अमलों नाल ही छुटकारा होना है, बगैर अमलों तो छुटकारा नहीं होना। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गल्लां दसियां और मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम फरमांदे ने फिर मैं थोड़ी जिनी दूर हो गया ते मैनू एक मंजर अल्लाह ने दिखाया, बड़ी सोहनी खुशबू आई, बड़ी मिठी मिठी ते ठंडी ठंडी खुशबू आई, जिवें जिवें असीं अगे चलते जा रहे हैं एक बड़ी मुअत्तर कुल फिजा मैनू महसूस होनी शुरू होई। इहदा अंदाज़ा करना है ना बंदे नूं बड़ी गर्मी लगन दी होए, सख्त गर्मी का मौसम होए, अचानक ठंडी हवा चल पवे तो बंदे नूं फर्त महसूस होंदी है ना, खुशी महसूस होंदी है, बंदा कहिंदा यार शुक्र रब दा हवा चली, कुछ जान च जान आई, कुछ साह च साह आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने इसे तरह मैं गुजरदा जा रहा एक ऐसी वादी अंदर दाखिल होया जिथे बड़िया बड़िया खुशबू खुशबूआं आ रही ने, बड़िया मशहूर कुन आवाज़ा आ रही ने। मैं पूछया जिबरील इन्हां आवाज़ा की समझ नहीं आ रही कोई की कह रहा है पर आवाज़ बड़ी प्यारी है, आवाज़ दी आवाज़ दा सुर बड़ा प्यारा है, की वजह है केड़ी ऐसी वादी दे अंदर असीं आए हाँ। जिबरील अर्ज कीती सोणिया ये अल्लाह दी जन्नत दा अंसर है, ये रब दी जन्नत है जड़ी अल्लाह नू कह रही है, अल्लाह सोनिया मेरे बाला खाने, अल्लाह सोनिया हरीरो रेशम दे मेरे लिबास, अल्लाह सोनिया मेरे अंदर जड़े बर्तन ने आला किस्म दे खाने, मेरे अंदर ऐसे आला किस्म दे पीने, सारिया नेमता जिदा दे नाल तू मैनू माला माल कीता, अल्लाह सोनिया मैं दुआ करनी हाँ नेक बंदिया नू जल्द मेरे अंदर दाखिल कर दे। जबरील कहते हैं अल्लाह के नबी है जन्नत दुआ मंगन रही है, जन्नत अल्लाह दे हाँ फरियाद करन रही है, अल्लाह नेक बंदियां नूं जल्द मेरे अंदर दाखिल कर दे। मैं इत्थे छोटी जी गल कहांगा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा नमाज तो बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, नमाज तो बाद
आयतुल कुर्सी पढ़ता है, छोटा जहा अमल दसन लगा, नाले पता चल जाए कि आज दे जुमे चो कोई ना कोई सबक लैके जाओ जिन्हों अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ वो देते अमल करो। हुजूर फरमाते ने जड़ा बंदा हर नमाज तो बाद फर्ज नमाज तो बाद सलाम फेरों तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है और रूटीन बना लेंदा है अल्लाह की जात ओदे गुनाह इन्ने भी ओदे जितने भी जिंदगी के गुनाह ने भावें समंदर की झग दे बराबर क्यों नहीं अल्लाह माफ कर दें। और दूसरा अजर है वे अगर वह बंदा अपने इस अमल को हमेशा बरकरार रखे हर नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़े हुजूर फरमाते ने उदे ते जन्नत के दरम्यान सिर्फ मौत हायल है, इधरों मौत आई उसकी रूह को जन्नत की सैर करवा दी जाएगी। ये ठिकाना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत भी दुआवां मांगदी है अल्लाह नेक बंदियां नू जल्द मेरे अंदर दाखिल कर दे। नबी पाक फरमाते ने फिर अगे गया अगली वादी के अंदर मैं दाखिल होया जो मैं उस वादी के अंदर गया मैं वेख्या महसूस किया बड़ी बदबू आई बड़ी मैनू इस तरह ना गवार किस्म की बदबू आई और इस तरह के दी आवाज़ आई जी कन्ना बड़ी नागवार गुजरती। मैं आख्या जबरील है हवा भी बदल गई है आवाज़ भी बदल गई है पहले जिनी खुशबू सी वो खुशबू भी नहीं है बड़ी बदबू जी आ रही है तो आवाज़ भी ऐसी करखत जी है जी कन्ना बड़ी अजीब किस्म की तकलीफ दे रही है ये की चीज़ है। जबरील अर्ज किया सुनया ये जहन्नम है अल्लाह पाक नू कह रही है अल्लाह मेरे अंदर तू बड़िया सजावं रखिया ने किते मेरे अंदर अग दे पहाड़ रखे नहीं किते मेरे अंदर तू अग दे जड़े औजार रखे नहीं गर्म खौलदा होया पानी ते पीप रखिया ही मेरे अंदर थुवर दे जड़ा खाना रखिया ही और इन्ने सारे तू मेरे अंदर अजाब इकट्ठे किते ने अल्लाह सोणिया जिन्हां नू तू मेरे अंदर सुटना वो जल्द मेरे अंदर सुट दे ताकि मैं उस बंदे नू जलावा उस बंदे नू मैं साड़ा उस बंदे नू मैं अजाब दवा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने उस मंजर नू वेख के बड़ी वहशत आई ते जदों उस मंजर उस जहन्नम ने फरियाद की ना ते अल्लाह ने जवाब अंदर ये गल कही जहन्नम तू इंतजार कर तू फिकर ना कर मेरा वादा बदलन वाला नहीं जिस बंदे मेरी गल ना मनी जिस बंदे मेरी बात पर अमल ना किया जिस बंदे मेरी नाफरमानी की जिसने अपनी जिंदगी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी जिन्हें मेरे रसूलों की बात ना मनी आसमानी किताबा पर अमल ना किया मैं उन्होंने तेरे अंदर जरूर सुटांगा मैं उन्होंने बालन तेन जरूर बनावांगा। ता मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सवेरे उठ के तीन दफा क्या करो अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार अल्लाह सोनिया मैं जहन्नम जान जोगा नहीं मैनू उहदे तो बचा ला अल्लाह मैं जहन्नम जान जोगा नहीं जहन्नम के अजाब बर्दाश्त करन जोगा नहीं मैनू उहदे कोलों बचा ला। हजूर फरमाते जिहड़ा मोमन पांच वक्त नमाज पढ़ता है और तीन दफा सुबह तीन दफा ये दुआ शाम को पढ़ता है अल्लाह की जात उन्हें वाकईतन जहन्नम तो आजाद कर देगा। अल्लाह की बारगाह अंदर दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू ऐसे काम करन दी तौफीक अता फरमाए जेड़े अल्लाह ताला दी रज़ा वाले ने जेड़े अहले जन्नत वाले ने और ऐसे कम्मा तो महफूज फरमाए जेड़े जहन्नम वाले ने या जेड़े अल्लाह दी नाराज़गी वाले ने। वमा अलैया इल्लल बलाग।